वहीं यूपी के बुलंदशहर में गोहत्या का मामला सामने आने के बाद राजकुमार नाम के आदमी के घर में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ का आरोप पुलिस वालों पर लगा। दावा किया गया कि राजकुमार के खेत में ही गोवंश के टुकड़े मिले थे, जिसके बाद देर रात उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने राजकुमार के घर में रखा सारा सामान भी तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी से भी मारपीट की गई। रात करीब 1:30 बजे 15-20 पुलिस वाले थे, उन्होंने हमारे गेट में धक्का लगाया और हमारा गेट खुल गया। वो जैसे ही हमारा गेट खुला, वहाँ वो पुलिस वाले गाली गलौज करते हुए हमारे घर में घुस गए और हमारे घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। न्यूज 18 से बातचीत में राजकुमार के घर वालों ने दावा किया कि उन्होंने ही अपने खेत में गोवंश के टुकड़े मिलने की जानकारी पुलिस को दी थी। फोन आया वहाँ से कि आपके खेत में ऐसे गौमांस प्रकटा पड़ा है। हमारे जो सब गाँव के लोग भी और हमारे ये राजकुमार भी सभी वहाँ पर पहुँचे, पुलिस को बुलाया। राजकुमार के घर वालों ने पुलिस वालों पर धमकाने का भी आरोप लगाया।